हर हर महादेव जी। किन्नौर कैलाश यात्रा। किन्नौर कैलाश यात्रा के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। किन्नौर कैलाश पंच कैलाश में से एक है जो कि 21,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 2024 में किन्नौर कैलाश की यात्रा कैसे की जाए, कहां जाना है और कहां से यात्रा शुरू होती है और कम से कम बजट में ये यात्रा कैसे कम्प्लीट की जाए। नागेन्द्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नागेन्द्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। तो सबसे पहले आपको आना होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ आप बस और ट्रेन दोनों से आ सकते हैं। चंडीगढ़ आने के बाद आपको पहुंचना होगा सेक्टर 43 बस स्टैंड। यहाँ पहुंचने के लिए आपको बस और ई रिक्शा दोनों मिल जाते हैं जिसका फेयर होता है 50 रुपए। फिर आपको सेक्टर 43 से रिकॉन्गपियो की बस मिल जाएगी जो कि श्री किन्नौर कैलाश स्टार्टिंग पॉइंट तक जाती है। यहाँ से आपको नॉर्मल और डिलेक्स दोनों बस मिल जाती है। नॉर्मल बस का फेयर होता है 780 रुपए, डिलेक्स बस का फेयर होता है 960 रुपए। और यहाँ से हर 15 मिनट में रिकॉन्गपियो की बस मिल जाती है। और अगर किसी को श्रीखंड कैलाश जाना है वो भी इसी बस में जा सकता है, बस आपको रामपुर उतरना होगा। वैसे श्रीखंड कैलाश की कंप्लीट जानकारी की वीडियो नेक्स्ट आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रिकॉन्गपियो की बस से आपको उतरना है शोंगटोंग और सबसे पहले अपना मेडिकल करवाना है। आपने पहले से करवा रखा है तो फिर ठीक है, नहीं तो यहाँ भी आपका मेडिकल हो जाएगा। अगर आप अपने पेपर वर्क में मेडिकल और रजिस्ट्रेशन पहले से करवा के रख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और यहाँ से ही तंगलिंग विलेज से शुरू होती है आपकी यात्रा। ये यात्रा 2024 में 1 अगस्त से 15 अगस्त तक शुरू होने वाली है और डेट चेंज भी हो सकती है तो इसका अपडेट आप टाइम टू टाइम लेते रहना। ये 18 से 20 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि शुरू होता है तांगलिंग विलेज से और तांगलिंग विलेज से गणेश पार्क तक पड़ता है आपका 10 किलोमीटर और गणेश पार्क से 3 किलोमीटर गणेश गुफा है और फिर 3 किलोमीटर आगे पड़ता है गौरीकुंड और गौरीकुंड से 3 से 4 किलोमीटर आगे पड़ता है आपका किन्नौर कैलाश। ये यात्रा काफी ज्यादा चढ़ाई वाली और डिफिकल्ट भी। अगर आपने पहले कभी ट्रैक नहीं किया तो इससे पहले आप अपनी हेल्थ पे काम करना स्टार्ट कर दें। और अगर आपको ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप इस यात्रा को बिल्कुल भी ना करें, ये क्योंकि हाई एल्टीट्यूड वाली यात्रा होने वाली है। जैसे कि हाई एल्टीट्यूड वाली यात्रा होने वाली है तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने साथ प्रॉपर मेडिसिन और एक ऑक्सीजन कैन जरूर रखें। और यहाँ आपको स्टे के लिए गणेश पार्क पर टेंट मिल जाते हैं जिनका चार्ज होता है 1,000 रुपए पर पर्सन जिसमें फूड भी इंक्लूड होता है आपका। जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है तांगलिंग विलेज से, वहाँ से आपको गणेश पार्क पर स्टे करना होता है। और अगर बात करें बजट की तो ये यात्रा आपकी 4,000 से 5,000 के बीच में खत्म हो जाती है। दिल्ली से रिकॉन्गपियो तक आपका 1,000 से 1,200 रुपए किराया लगता है, सेम ही जाने का लगेगा। 2 दिन का स्टे करेंगे तो आपका 2,000 रुपए मान लीजिए। और अगर आप अपना टेंट लेकर आते हैं तो आपका बहुत ही ज्यादा कम खर्चा होता है। और यहाँ आपको यात्रा के टाइम हर समय भंडारे मिल जाते हैं। किन्नौर कैलाश की यात्रा वैसे तो बहुत ही प्यारी है पर यहाँ पे आपको 3 डिफिकल्टी फेस करने को मिलती है। एक तो लास्ट वाला पैच काफी ज्यादा हार्ड है और दूसरा गणेश पार्क से आप जब नाले की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको किसी के साथ ही वो नाला पार करना है, अकेले बिल्कुल नहीं करना। और तीसरा गौरीकुंड, जहाँ पे गौरीकुंड से आप आगे की तरफ बढ़ते हैं वो पैच काफी ज्यादा हार्ड है, वहाँ पे भी आपको किसी के साथ ही पार करना है, अकेले बिल्कुल भी नहीं। और सेम ही लास्ट वाला पैच है जो कि बहुत ही ज्यादा सावधानी से पार करना होता है और सेफ्टी के साथ। और इस यात्रा के लिए आपके पास ट्रैकिंग शूज जरूर होने चाहिए ताकि इस यात्रा को आप बहुत आसानी से पार कर सकें और साथ ही मेडिसिन भी रखें। तो हर हर महादेव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपके श्रीखंड महादेव की होने वाली है।